एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका देंगे उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट के कई विधायक नाराज, वापस लौट सकते हैं मातोश्री सूत्रों के हवाले से खबर। भिवंडी में दो मंजिला इमारत गिरने से तीन की मौत, कई लोगों को मलबे से किया गया रेस्क्यू, महज 10 साल पुरानी थी बिल्डिंग। उद्धव ठाकरे की बीमारी के वक्त आदित्य ठाकरे ने सीएम की कुर्सी पाने की रची साजिश, भाजपा विधायक हितेश राणा के दावे से हड़कंप। मुंबई के बांद्रा में युवक का स्कूटी पर जानलेवा स्टंट, वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग। मुंबई करों के लिए जरूरी खबर, रविवार को सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक, सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक लोकल सेवा रहेगी प्रभावित। मलाड रेलवे स्टेशन के पास 158 दुकानों पर चलेगा बीएमसी का बुलडोजर, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी का बयान। पालघर में मुंबई अहमदाबाद और राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक निजी बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र दिवस से वरिष्ठ नागरिक, विकलांगों, छात्रों को स्वागत, अब मुंबई मेट्रो पर यात्रा करने पर मिलेगा 25% छूट, मुख्यमंत्री शिंदे की घोषणा। मुंबई में बीच सड़क पर बंद पड़ी बेस्ट की बस, तो यात्रियों ने मिलकर लगाया धक्का, मुंबई पुलिस ने वीडियो ट्वीट कर कहा ये मुंबई की ताकत। राज्य में 147 बाजार समिति चुनाव के नतीजे जाहिर, 81 बाजार समिति पर एमबीए का झंडा, 48 जगहों पर भाजपा शिवसेना महागठबंधन की जीत। बाजार समिति के चुनाव में भाजपा नंबर वन, 40 जगहों पर मिली जीत, 38 जगहों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर एनसीपी। मालवनी में पैसे को लेकर सास ससुर और ननद ने मिलकर बहू की हत्या, मालवनी पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, थाईलैंड से मुंबई आ रहे 3 यात्रियों से बरामद किया 1 किलो से ज्यादा सोना, टी शर्ट के अंदर मिला गोल्ड। पार्सल रिफाइनरी को लेकर उद्धव ठाकरे ने खोखे लिए नारायण राणे का आरोप, कहा ठाकरे को गोकर्ण आने तो दो, देख लेंगे। गोकर्ण राणे के बाप की है क्या, राणे संभल कर बोले, संजय राउत ने दी चेतावनी। कांदिवली पश्चिम राइन्स एंड रंबल्स प्री स्कूल में 2 महिला शिक्षकों ने बच्चों की बेरहमी से की पिटाई, सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने भेजा नोटिस। बेमौसम बरसात और बिजली गिरने से 10 की मौत, महाराष्ट्र में अगले 5 दिन ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में 1 मई को होने वाली बजमुट सभा को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की मातोश्री पर हुई बैठक, सभा में कौन कौन से नेता करेंगे भाषण, इस पर हुई चर्चा। लापरवाह ग्राहकों का ठिकाना बना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, रोजाना करीब 280 लोगों पर आरटीओ करती है कार्रवाई। नई मुंबई में सप्ताह में 1 बार पानी की कटौती, एनएमएमसी ने सप्ताह में 1 दिन शाम को पानी की आपूर्ति नहीं करने की बनाई योजना। मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला, मानखुर में 22 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप। मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन। लॉन्ग वीकेंड के लिए फिर निकले मुंबई, कर अलीबाग लोनावला अगले 2 दिनों तक भरा रहेगा। मुंबई में आज सोना चांदी के दामों में गिरावट, सोना 60,820 रुपए तोला, वही चांदी 76,200 रुपए किलो। पीएम मोदी की मन की बात का विदेशों में भी बजेगा डंका, यूएन मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा मन की बात का 100वां एपिसोड।